तीन बच्चों की मां प्रेमिक संग हुई फरार, मामला दर्ज कराने के लिए पति लगा रहा है थाने का चक्कर। हमारी मां को घर ला दीजिए साहब, हमारे पर ध्यान दीजिए साहब, अब हमें खाना बनाकर कौन देगा, कौन करेगा हमारी देखभाल। सरकार से मुंह करते हैं, मेरे मुंह आ जाओ। सरकार से यह अनुरोध करने वाला कोई और नहीं बल्कि तीन छोटे छोटे बच्चे हैं जिसकी मां पिछले 26 सितंबर से घर से लापता है। यह पूरा मामला है पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत पीरपैंती थाना के श्रीमतपुर गोपाली चक पंचायत के अलोनी टोला निवासी वकील मंडल की पत्नी गुंजन देवी का, जो विगत 26 सितंबर से घर से लापता है, जिसकी लिखित शिकायत खुद वकील मंडल ने कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी तथा थाना अध्यक्ष को दी है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी गुंजन देवी को अपहरण कर भगाने का आरोप सोनी टोला कचहरिया निवासी सच्चिदानंद यादव के पुत्र मनीष यादव पर लगाया है। प्रेमी संग फरार हुए महिला के पति का कहना है कि हमने संबंधित आवेदन पीरपैंती थाना में दिए हैं, थाना अध्यक्ष के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। दूसरे दिन अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव से भी एक आवेदन पत्र देकर पत्नी की खोजबीन करने तथा उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई है, पर अब तक हमारी पत्नी का पता नहीं चल पाया है, जिसके कारण मेरे तीनों बच्चे 10 वर्षीय असम कुमारी पुत्र, 8 वर्षीय सुधीर कुमार तथा 5 वर्षीय अमित कुमार का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि मनीष कुमार यादव एक मनचला लड़का है, जो कि बहुत दिनों से इसकी पत्नी पर नज़र लगाए हुए था। इनसे पहले भी महिला का प्रेमी संग भागने का मामला सामने आया था, तब पंचायती के द्वारा समझा बुझाकर दोनों को अलग रहने की सहमति बनी थी, लेकिन पुनः इस तरह का मामला सामने आया है। ताज़ा घटनाक्रम में अहले सुबह शौच का बहाना बनाकर उक्त औरत अपने घर से निकली और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस बाबत पति ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए पत्नी को सकुशल खोजने की मांग की है, ताकि हमारे बच्चे की देखभाल ठीक ढंग से हो सके। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं पीरपैंती से रमाशंकर सिंह की रिपोर्ट। सरकार से मुंह करते हैं, मेरे मुंह आ जाओ। आपका ये मामला क्या हुआ? मामला हुआ है कि जो है 27 तारीख को, जो है 27 तारीख से नहीं पता है, अभी तक उसका कोई टेर पता नहीं है। कौन पता है? मेरा पत्नी दिए, थाना दिए, उसके बाद हम अनुमंडल में कहलगांव दिए, एक दिन के बाद दिए कहलगांव, दूसरे दिन जब भगा दिया गया हमको, एक दिन या दो दिन उतना ख्याल नहीं है, उसके बाद कहलगांव जब दिए, जब उनके बाद जब फिर हमको थाना बुलाया गया, तो उसमें बोला गया कि ठीक है तुम्हारा क्या चाहता है, तो उनके लिए हम केस करेंगे। बोला उससे नहीं होता है, तुम लोग आता है यहाँ बस बार बार जो मन में बुझाता है वही कर देता है तुम लोग, तो हमसे कम से कम इंक्वायरी करके देखा जाए कि क्या बात है, नहीं देखा स्तर पर जाके। बोला गया ठीक है, वो लोग आया तो प्रशासन हमारे घर पर आया, तो हम बोला कि कहाँ है उसका घर, यहाँ थोड़ा उन लोग का घर पड़ता है, उनका कचहरिया घर पड़ता है। तब हमको फिर ले गया कचहरिया, उसका घर दिखाए, उसका बसा दिखाए, घर में ताला लगा हुआ था उसका, तो बसा गए तो उसका माँ और एक छोटा भाई बेटा, उनको ही नहीं था, सब भाग गया था। और प्रशासन से क्या आपको आश्वासन क्या मिला? प्रशासन से हमको कोई आश्वासन नहीं मिला। बोला कि ठीक है, 2 दिन का उसको टाइम दिया गया कि रिपोर्ट बताओ कहाँ है, ये नहीं है। मैं साहब क्या कहना, क्या मुख्य मांग क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि लोग जो है ले जाके जो है ये लोग अपहरण कर लिया है, इसका कोई पता अभी तक हमको नहीं बता दे रहा है कि कहाँ है ये नहीं है, इसीलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इसका कुछ खोज करें। जब उनके घर पर आप गए खोजबीन करने के लिए, क्या वहाँ से आपको क्या मिला? वहाँ बोला कि नहीं, हमारा बेटा नहीं ले गया है। हमको परेशान काहे करते हैं, हम बोले कि नहीं बेटा तुम्हारा ले गया है, वैसे क्या करते हैं, तो कई सारा ज़्यादा अगर जब तुम बोलेगा तो तुम्हारा और तुम्हारा परिवार को अगर थानों में कंप्लेन करेगा सारा परिवार को तुमको मार देंगे। धमकी मिला? हाँ। किसके द्वारा धमकी मिला? ये कमली यादव के द्वारा मिला हमको। कमली यादव कौन है वो लड़के का? लड़के का बड़का चाचा अथी है, पापा है, बड़े पापा है। हाँ। हेमा देवी। हाँ। इक्के लगे छो नहीं जब भागले गोतनी खेलिए जाए पूछे कि गे जय गाय गेल वाले तमक छे खनु जेबे बच्चा चिलका छोरी की गया, नहीं दीदी नहीं जेबे माँ बच्चा कभी नहीं छोरी जेबे, मैं कह नहीं हम ओकरा मैं हमारे इतना दिन हो गलो छे मैं हमरा से प्यार करे ले हम ओकरा जेबे तो ले के जेबे, हमर टिकट कटा ले ला छे हम जेबे तो ओकरा ले के जेबे, यह बात बोलो छे। आप लोग को बात एक दिन कब से कब का बात, कब आप 2-3 दिन बोल रहा हूँ, 2-3 दिन और बाद ही फिरार हो गलो छे। ठीक।